और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस इश्क में इतना सच्चा करे कि हमारे कोल से, हमारी जुबान से जिस तरह इश्क मुस्तफा का नारा लगता है, हमारे अमल से भी इश्क मुस्तफा नजर आए। आमीन। लुबनान में आपको मालूम है सारे सुनी बड़ा अजीम और शान महफिल मिलाद मुस्तफा का जुलूस निकलता है, जुलूस है मिलाद मुस्तफा, और उनकी आंखों में ना शमा होती है, शमा। बड़ा जुलूस था, बड़ा क्राउड था, वहां पे गैर मुस्लिम औरत भी जा रही है और उसकी बच्ची भी साथ है। तो उस जुलूस की वजह से ना उसकी बच्ची को चोट लगी और चोट भी दिमाग में लगी। तो जो चोट दिमाग में लगती है उस शख्स का बचना मुश्किल हो जाता है, फिर वो बच्ची है। उसने लुबनान के जितना भी जो बेहतरीन हॉस्पिटल था ना, वहां पे अपनी बच्ची को एडमिट करवाया। वहां के सारे हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया कि अब इसका इलाज नहीं है। वो अपनी बच्ची को लेके बैरूत चली गई। बैरूत, ये 1953 का वाक्य है। या बैरूत गई ना तो वहां पे हॉस्पिटल का नाम है अरबी के अंदर आज भी मौजूद है, अल जामियातुल अमरीकिया, यानी अमेरिकन हॉस्पिटल, अमेरिकन हॉस्पिटल अरबी में कहते हैं अल जामियातुल अमरीकिया। तो वहां पे बड़ा ये मशहूर हॉस्पिटल था। तो पहुंची तो इलाज शुरू किया डॉक्टरों ने। आखिर में पता डॉक्टरों ने क्या कहा कि तेरी बेटी का आखिरी लम्हा है। वद्दाई इब्नता का बिनजरत आखिरा, आखिरी लम्हा है, अपनी बेटी को जाके मिल ले और विदा कह ले, इसके बाद बचना मुश्किल है। वो वहीं पे बैठ गए। उसने पता क्या पुकारा, गैर मुस्लिम है, जिसको मुसलमान अपना रसूल कहते हैं, ये पुकार रही है, ऐना अंता या मुहम्मद। तो यूं चल रही है, अंता तो उन्होंने लिखा कि उसकी मां के कदम लड़खड़ा, जिसकी बच्ची अकलौती हो, अकेली बच्ची हो औलाद में से, और उसके बारे में यह पता चले कि उसका आखिरी सांस चल रहा है और उसको अलविदा कहने के लिए जा रही है, तो उसके कदम यूं तो नहीं चलेंगे ना। वो यूं चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है, कि शायद डॉक्टर कोई बशारत देने आगे कि नहीं अब इलाज मुमकिन है, उसका उसकी अभी हालत बेहतर है। तो यूं पुकारते जा रही है, ऐना अंता या मुहम्मद, ऐना अंता या मुहम्मद, तेरे उंगलियों की वजह से ऐसा हुआ है, तू कहां है, तू मेरी मदद क्यों नहीं करता है। अब सुने, जब वो दरवाजे पे पहुंची ना, उस कमरे के दरवाजे पे, तो दस्तक दी, तो दरवाजा खुला। मां ने सोचा कि शायद किसी नर्स ने दरवाजा खोला है, अल्लाह, किसी नर्स ने। जब मां मां का कद बड़ा था, बच्ची छोटी, मां ने देखा दरवाजा खुला, कोई नजर नहीं आ रहा। जब यूं ही नजर झुकाई ना, वो बच्ची जिसके बारे में डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, वो अपनी चारपाई से उठकर खुद आई और उसने दरवाजे को खुद खोला है। खुद खोला। जब मां ने देखा ना अपनी बच्ची को, तो खुशी की इम्तिहान आ रही, जिसके बारे में सारे डॉक्टर कह चुके हो, सारे हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया हो कि अब तेरी बच्ची का इलाज मुमकिन नहीं है, तू अलविदा कह ले, आखिरी लम्हा है, पता नहीं कब रुखसत हो जाए। वही बच्ची अब बिल्कुल सेहत याब हो के खुद दरवाजा खोल कर खड़ी है, उसकी खुशी की इम्तिहान आ रही। और उसने पूछा, बच्ची बता तो सही, ये कैसे हुआ, तू तो चारपाई पे थी, तेरी मौत का वक्त करीब था और मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, तूने खुद दरवाजा खोला है। बच्ची ने जवाब दिया, बच्ची ने कहा, मां पूछती है वो कौन था जिसको तू पुकारती रही है ना बाहर खड़े होके, ऐना अंता या मुहम्मद, फरमाया अन्नहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या उम्मी, मैं अपनी नजरों के सामने मुहम्मद को देख रही हूँ, उनका जलवा कर रही हूँ, उनका दीदार कर रही हूँ, मेरी आंखों के सामने मुहम्मद मौजूद है। बच्ची कहती है, अभी मां को नजर नहीं आ रहे, नजर उसको आ रहे हैं जिसके लिए बुलाया गया है, जिसके लिए पुकारा गया है। अब बच्ची अपना वाक्य बयान कर, लोगों को यह अकीदा बड़ा अजीम अकीदा है,
बड़ा सोना अकीदा है और सारे का सारा कलाम भी इसी पे था, सारे का सारा कलाम कि तू ही है दो सरवर हर दो जहान, यानी तू ही साहिब इख्तियार अल्लाह ने बना दिया तुझे मुख्तार। अब वाक्य सुनिएगा, बच्ची ने कहा मां जान داخل محمد رسول الله الى غرفتي سيدنا محمد رسول الله شاف محشر سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين خود میرے کمرے میں تشریف لائے سبحان اللہ اور جانتی ہو کیا کیا ووضع يده على راسي اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا سبحان اللہ اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا فذهب الجرح وذهب الدم آپ کے دست مبارک کی برکت سے میرا ہر زخم بھی بھر دیا اور میری ہر تکلیف بھی دور ہو گئی اور کہتے ہیں وعندما فتحت الباب خرج یا امی جب آپ نے دستک دی نا تو اس وقت وہ میرے پاس موجود تھے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ تشریف لے گئے تھے سارے ہاسپٹل میں جب یہ منظر دیکھا اور ماں نے یہ منظر دیکھا کہ جس کو میں پکار رہی تھی وہ میرے پکارنے پہ بھی آئے اور جس کے لیے پکار رہی تھی اس کے پاس بھی آئے اور کیوں پکار رہی تھی وہ کام بھی کر کے چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ میری بچی صحت یاب بھی ہو چکی ہے یہ دیکھ کر حضور کا زندہ معجزہ دیکھ کر وہاں ہاسپٹل میں جتنے غیر مسلم تھے آج بھی یہ واقعہ وہاں پہ ہر خاص عام جانتا ہے ہر دفتر کی زبان پہ اس بچی کی ماں کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے کیوں ہوئے حضور کی عطا سے حضور کے اختیار سے جو رب کائنات نے عطا فرمایا آخرت میں تو